जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ऑटोकैड की इस प्रैक्टिस वीडियो के अंदर मैं आपको इस ड्राइंग को बनाना बताऊंगा कि कैसे आप ऑटोकैड के अंदर इस ड्राइंग को आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। देखिए, ये ड्राइंग है तो बिल्कुल बेसिक ड्राइंग, लेकिन इस बेसिक ड्राइंग को भी बिल्कुल मैं आपको बारीकी से एक एक स्टेप बड़ी आसानी से समझाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं एलके सुरमसी, वेलकम टू माई चैनल LS डिजिटल अकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने इस ड्राइंग को क्या कर रखा है, इस शीट पर अटैच किया हुआ है। यहाँ पर अटैच करने से बेनिफिट ये होगा कि मुझे कोई भी डायमेंशन चेक करनी है तो मैं बड़ी आसानी से यहीं से देख सकता हूँ, मुझे बार बार किसी अदर पेज पर या अदर सीट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी फाइल को भी अपनी सीट पर अटैच करना है तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट टैब के अंदर आएंगे और इंसर्ट टैब के अंदर आपको किस पर आएंगे, यहाँ पर अटैच पर। यहाँ पर आप अटैच पर आइए और अटैच पर आने का जहां भी आपकी फाइल है आप वहां से उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप ओपन करेंगे, देन क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। जहां भी आपको उस फाइल को अटैच करना है तो आप अपनी सीट के अंदर बड़ी आसानी से उस फाइल को अटैच कर सकते हो, जैसे फिलहाल मैंने यहाँ पर ये अटैच की हुई है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो क्या करूंगा, मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। आप देखिए, जो रेक्टेंगल का साइज है वो मैं कैसे यहाँ पर डिफाइन करूंगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो सर्कल है, यहाँ पर आप ये लाइन देखेंगे, यहाँ से और यहाँ तक इसका जो साइज दिया हुआ है कितना है, 100। मतलब जो सर्कल है आप यहाँ से देखेंगे और यहाँ तक इसका साइज है 100, और इसका जो कॉर्नर रेडियस हो रखे वो कितने हो रखे, 20। तो 20 मेरे यहाँ से और 20 ही यहाँ से, तो टोटल कितना आया, 40, और 100 मेरा ये है तो टोटल जो मेरा निकल के आएगा वो कितना आएगा, 140, मतलब 140। तो मैं इधर जो रखूंगा ये 140 और ये भी 140, मतलब 140 बाई 140 का यहाँ पे क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जो कि इसका जो रेडियस होगा, कॉर्नर रेडियस कितना होगा, 20 का। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, होम टैब के अंदर आता हूँ। होम टैब पर आने के बाद यहाँ पे ड्रॉ के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो मिलेगा आपको रेक्टेंगल। तो यहाँ से आपको क्या करना है, रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, या फिर रेक्टेंगल की कमांड की बात करूं तो जो रेक्टेंगल कमांड है वो आपकी REC। अब REC करेंगे, एंटर करेंगे। अब एंटर करने के बाद सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, अपने कॉर्नर को रेडियस देना है। तो रेडियस कॉर्नर देने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिलट कमांड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिलट पे क्लिक करूंगा। फिलट पे क्लिक करने के बाद कितना फिलट देना आपको, 20। तो यहाँ पे मैं 20 एंटर। अब यहाँ पे मैं पेज पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका क्या देना मुझे, साइज। तो मैं साइज देता हूँ यहाँ पे 140 और टैब बटन दबाऊंगा और अगेन 140। ठीक है, यहाँ पर 140 और 140 मैंने साइज दिया, उसके बाद कर दिया एंटर। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अब रेक्टेंगल बनाने के बाद अब इस रेक्टेंगल के जो सेंटर पॉइंट है मुझे यहाँ पे क्या करना है, दो सर्कल बनाने हैं, और जो दो सर्कल का साइज होगा वो होगा एक 55 डायमीटर का और एक 70 डायमीटर का। ये जो मेरा सर्कल है ये 55 डायमीटर का है और ये वाला सर्कल है 70 डायमीटर का। तो यहाँ पे क्या करता हूं, मैं सर्कल कमांड लेता हूं, तो सी, या तो आप सी के द्वारा या फिर आप ड्रॉ के अंदर आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको सर्कल। ठीक है, तो मैं सी टाइप करता हूँ, एंटर, इस रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट पर। यहाँ पर मैं सर्कल बनाता हूँ किसके अंदर, डायमीटर में। तो डायमीटर के लिए मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा डी, एंटर, यहाँ पर साइज दे देता हूँ उसका 55, एंटर। फिर से सी, एंटर, इसके सेंटर पर, डायमीटर के लिए डी, एंटर, 70 डायमीटर, एंटर। तो यहाँ पर मैंने ये दो सर्कल बनाए। अब सर्कल बनाने के बाद में आप देखेंगे इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से और इधर का जो डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो साइज आ रहा है यहाँ पे कितना, 38 का। ये जो साइज जो दिया हुआ है ये क्या हमारा 38 का साइज है। ठीक है, तो यहां से क्या करता हूँ, इस सेंटर से एक लाइन बनाता हूँ मैं कितने पर, 38 पर। तो यहाँ पर मैं लाइन के लिए L, एंटर, और इसके सेंटर से यहाँ पर मैं ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ F8 से और यहाँ पर साइज दे देता हूँ मैं 38, एंटर। तो मैंने एक 38 की लाइन बनाई। अब ये जो लाइन मेरी एंड हो रही है यहाँ पर मुझे दो सर्कल और बनाने, एक 5 रेडियस का, एक 16 रेडियस का। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये छोटा वाला तो क्या है, 5 रेडियस का, और इससे ऊपर वाला कितने का है, 16 रेडियस का। तो यहाँ पे मैं सर्कल के लिए फिर से सी, एंटर,
इस लाइन के बिल्कुल एंड पॉइंट पर यहाँ पर मैं एक 5 रेडियस का सर्कल बनाता हूँ, फिर से सी एंटर, और इसी के यहाँ पर सेंटर पर एक 16 रेडियस का एंटर। ये दो मैंने सर्कल बनाए। अब ये जो सर्कल है और जो आपका ये वाला सर्कल है, ये क्या हो रहा है, इसे टेंजेंट हो रहे हैं, मतलब टेंजेंट से ये अटैच है किसके द्वारा, लाइन। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लाइन कमांड लूंगा, तो लाइन या तो मैं यहाँ पे सिंपल लाइन या सिर्फ आप एल भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइन पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे लाइन पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, मुझे टेंजेंट अप्लाई करना है, तो उसके लिए करता हूँ मैं टी ए एन टेन एंटर, और इसका मैं यहाँ पे टेंजेंट दूंगा, और इस टेंजेंट पे अटैच करना है तो फिर से टी ए एन एंटर, और इसका मैं टेंजेंट दे देता हूँ, राइट क्लिक एंटर। फिर से मैं लाइन लेता हूँ तो एल एंटर, टेंजेंट के लिए टी ए एन एंटर, इसका टेंजेंट देता हूँ, फिर से टी ए एन एंटर, और इसका टेंजेंट देता हूँ, राइट क्लिक एंटर। यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद क्या करता हूँ, उसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, तो ट्रिम के लिए टी आर डबल एंटर, और इस सर्कल को मैं यहाँ से ट्रिम किया, यहाँ से इसको ट्रिम कर देता हूँ, क्लियर है, राइट क्लिक करते हैं एंटर। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेज, तो ई एंटर, और इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, और इस लाइन को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक, तो ये मेरा इरेज हो गया। तो ये मेरा इधर वाला पार्ट बन चुका है। सेम मुझे इधर भी यही सेम बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको सेम बनाने के लिए मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर देता हूँ, उधर मिरर कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं मिरर पर आऊंगा, ये आपको मॉडिफाई के अंदर मिलेगा, मिरर, यहाँ पे मिरर, और इसको मैं इधर से ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक करूंगा, और इस सर्कल के सेंटर से मैं इसको इस टाइप से ड्रैग करूंगा। अब ये कह रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, लेकिन मुझे सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज नहीं करना, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नो, जैसे नो किया तो ये आ चुका है। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, ट्रिम, तो टी आर डबल एंटर, और इसको यहां से मैंने ट्रिम कर दिया, ये राइट क्लिक एंटर। तो आप देखेंगे तो ये अंदर का पार्ट आपका बन चुका है। अब फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये जो चार कॉर्नर पर जो सर्कल है, इन सर्कल को बनाता हूँ, तो सर्कल के लिए सी एंटर। अब आप देखेंगे तो ये चार कॉर्नर पर जो सर्कल है, इनका मैं साइज कैसे डिफाइन होगा, कि हम यहाँ पर कहाँ पर बनाएंगे, और इसका जो साइज दे रखा हुआ 13 का है। तो जब आप इस रेडियस पर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको इसका सेंटर पॉइंट ऑटोमेटिक दिखाई देगा, ये देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे माउस को चला रहा हूँ तो यहाँ पे एक रेड पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, तो ये इस रेडियस का क्या है, सेंटर पॉइंट है नीचे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, उसका क्या डी डायमीटर के लिए एंटर, कितना 13 एंटर। तो यहाँ पे मैंने 13 डायमीटर का सर्कल बनाया। अब क्या करता हूँ, इसी सर्कल की मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो सी ओ कॉपी सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, ऑर्थो मोड कर देता हूँ F8 से ऑफ, और इसको मैं इसके यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, इधर सेम इसका सेंटर पॉइंट देखता हूँ, इसको यहाँ पे कॉपी किया, और इधर सेम इसका सेंटर पॉइंट देखे, इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, राइट क्लिक एंटर। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक सेंटर सर्कल बनाना है, ये वाला जो ये इसका साइज होगा कितना होगा, वो क्या है 60 रेडियस का है। तो यहाँ पे मैं सर्कल सी एंटर, इसके सेंटर पॉइंट पर सर्कल बनाता हूँ, कितने का 60 एंटर। तो यहाँ पे मैं 60 का सर्कल बनाया। उसके बाद यहाँ पे मुझे सेंटर लाइन शो करानी, तो सेंटर लाइन शो कराने के लिए आप ड्रॉ के अंदर आएंगे, और यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, कंट्रेक्शन लाइन, और यहाँ से इसके सेंटर से मैं लाइन बनाता हूँ ऐसे, और फिर से एक और बार लेता हूँ, और यहाँ से इस पॉइंटर से, और ये लाइन क्रिएट करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, इनको सेंटर लाइन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से मैं पहले क्या करूंगा, एक सेंटर लाइन लोड करा लूंगा। तो यहाँ पे मैं अदर पर आता हूँ, अदर पर आने के बाद यहाँ से लोड, और यहाँ से मैं सेंटर लाइन ले लेता हूँ। जैसे मैंने सेंटर लाइन ली, ओके कर देता हूँ, और ओके मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर सेंटर लाइन के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। इसकी यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ओपन कर लेता हूँ, तो प्रॉपर्टीज के अंदर मैं यहाँ पर इसका साइज दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर साइज मेरा पूरा क्लियर शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मैं इसका साइज दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर साइज दे दिया, एक एग्जांपल 8, या मैं और साइज पर आ देता हूँ, उसका साइज दे दिया मैं 10, ये देखेंगे। उसके बाद कर देता हूँ यहाँ पर क्लोज, कलर भी देना तो यहाँ पर कलर दे देता हूँ उसका, एक एग्जाम्पल मैंने ये कलर दिया इस टाइप से, और जो मेरा ये एक्स्ट्रा है इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल ट्रिम, यहाँ से मैंने इसको ट्रिम किया, इधर मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, और ये इस टाइप से, राइट क्लिक एंटर।
तो आप देखेंगे तो ये ड्रॉइंग यहाँ पर आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके ऊपर डायमेंशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर आप डायमेंशन लगा दीजिए कि जैसे मुझे यहाँ से चेक करना है, आप इससे और यहाँ से आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे तो इसका जो साइज निकल के आएगा वो 100। मैं यहाँ पर डी प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, मॉडिफाई के अंदर आऊंगा और यहाँ पर मैं टैक्स के हाइट, यहाँ पर टैक्स हाइट दे देता हूँ 1 और यहाँ पर जो डेसिमल वैल्यू है मैं बिल्कुल अभी 0 कर देता हूँ। ओके करता हूँ, सेट फॉर करंट करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका आपका क्या है डिस्टेंस यहाँ पर कितने का आ गया 100 का। सेम मैं इस सेंटर से और यहाँ पर इसका डिस्टेंस दे देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे तो इसका आप आ रहा 38। यहाँ पर मुझे डायमीटर शो कराना है, इसका डायमीटर शो करा देता हूँ यहाँ पर, इसका भी सेम डायमीटर शो करा देता हूँ यहाँ पर, सेम इसका डायमीटर शो करा देता हूँ। तो ये मैं यहाँ पर डायमीटर शो करा दिए, क्लियर है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर रेडियस देने हैं तो इसके मैं यहाँ पर रेडियस दे देता हूँ। तो यहाँ पर रेडियस, यहाँ से मैं रेडियस पर आऊंगा, इसका रेडियस शो करा देता हूँ मैं यहाँ पर, ये सेम मैं इसका रेडियस शो कराता हूँ, सेम इसका भी रेडियस, इस कॉर्नर का शो कराऊंगा तो ये। तो आप देखेंगे तो इस टाइप से आपकी ड्रॉइंग यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस टाइप से आप ऑटोकैड के अंदर कोई भी ड्रॉइंग बड़ी आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।